रोलिंग चिट्टू दिखाओ रोलिंग पागल टैटू दिखा मेरा नहीं नजर आ रहा है हालांकि आपने डमी टैटू बनाया हालांकि आपने डमी टैटू बनाया रियल टैटू डमी तो डमी टैटू ही ऐसे ऐसे अभी इनसे पूछो कि वैसे आपने मेरे जूते नहीं देखे आज के भाई नहीं वो देखे भाई कितने प्यारे मैंने कस्टम लिए आज तो ब्रांडिंग वाला दिन हो गया ये देखो आज नीचे तक ऊपर से दिल उठवा दिया हम ऊपर से नीचे किल दिल हैं और आज से लेके जब तक किल दिल रिलीज होके अपना काम कर जाती है हिट हो जाती है लोग देख के पसंद करते हैं उसे मज़ा करेंगे उसके गाने देखेंगे 14 नवंबर को जब रिलीज़ हो जाएगी उसके 4 हफ्ते तक 5 हफ्ते तक 6 हफ्ते तक 1 साल तक और चलेगी थिएटर में तब तक हम ये टैटू अपने बाजू पे रखेंगे मंदिर में मैं तो बहुत चाहता हूँ कि मैं बनाऊँ लेकिन थोड़ा इनकन्वीनियंट हो जाता है क्योंकि फिर कवर अप करना पड़ता है बिकॉज यू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो जिस दिन वो पुकार आएगी उस दिन मैं ज़रूर गुदवाऊँगा मुझे यहाँ करवाना था लेकिन सुबह बहुत लगती है तो आई एम रिकन्सिडरिंग मैं तो ज़िंदगी में कभी नहीं करवाऊँगी मुझे दर्द से मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ ज़्यादा मेरा थ्रेशोल्ड बहुत छोटा है दिल का दर्द वो तो होता ही रहता है मैंने तो नहीं दिखाया तो मैं तो कभी नहीं करवाऊँगी ये बहुत अच्छा है कि मैं इसको जब चाहे इसको निकाल सकती हूँ मैं नहीं करवाऊँगा मेरे ख्याल में अपनी क्योंकि अपनी बॉडी पे कोई परमानेंट चीज़ हमेशा के लिए ना करवाएं उससे मुझे थोड़ा सा अभी फिलहाल मेरा मेंटल ब्लॉक है जो कि खुल सकता है फ्यूचर में जाके मैं कंफ्यूज हूँ इस बारे में आई थिंक गट्स चाहिए होते हैं वो उतने गट्स मेरे अंदर तो नहीं है अगर मैं बहुत बहुत ही बड़ा रॉक स्टार बन गया कल के फ्यूचर में और मेरे बहुत सारे गाने हिट हो गए फिर मैं शायद करवा लूँ हमारा फिल्म का नाम है किल दिल जो कि 14 नवंबर को रिलीज हो रही है इसमें रणवीर सिंह हैं जो किल भी कर रहे हैं और दिल भी कर रहे हैं इसमें परिणीति चोपड़ा हैं जो दिल भी कर रही हैं और दिल भी कर रही हैं और इसमें मैं हूं अली जफर जो कि किल भी कर रहा है और किल भी कर रहा है हाँ। ये गीक लुक अच्छी है ना ये मेरे खुद के चश्मे आई एम वेरी प्राउड ऑफ देम हाँ आई हैव नेवर वॉर्न देम एक्चुअली बिफोर बट मुझे लगा कि आज थोड़े हम लोग सब कूल बने हुए हैं रणवीर को देखो ये जो स्लीवलेस रिवीलिंग टॉप है आज एक्चुअली परिणीति को मैंने स्टाइल किया बाय द वे दैट्स ट्रू एक्चुअली रणवीर ने काफी इनपुट दी ये क्या क्या काटना चाहिए क्या क्या फाड़ना चाहिए ये सब रणवीर ने बताया हमें वैसे मैं फाड़ने में बहुत अच्छा हूँ यश शाह स्टूडियो में घुसा और एकदम से एक रणवीर सिंह आया गंजा हुआ था और बाजीराव की पूरी लुक जो है मैं अभी यहाँ पे रिवील नहीं करूँगा कि क्या क्या थी लेकिन मुझे लग रहा था कि कोई आ गया है वाकई बाजीराव अच्छा वो काफी मतलब 2.5-3 घंटे लग जाते हैं उस फिल्म में रेडी होने के लिए काफी सारे प्रोस्थेटिक्स हैं ये वो लेकिन वो इंटेंस फिल्म है हमारी जो किल दिल है वो थोड़ी लाइट हार्टेड है ह्यूमर इसमें काफ़ी सारा है रोमांस का हेल्दी डोज है एक्शन है और ड्रामा भी है सब्सटेंस भी है ड्रामा और टेंशन भी है काम इट्स बेसिकली अ म्यूजिकल आई थिंक ये एक कड़क एंटरटेनमेंट पैकेज है रिलेंटलेसली एंटरटेनिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी प्राउड ऑफ व्हाट चार्ल्स इज डन विद दिस फिल्म गोविंदा जी हमारे साथ सब प्रमोशंस में थे वो बिग बॉस भी गए हमारे साथ करोड़पति में भी गए और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में लेके गए और उनके साथ शूटिंग करने का बहुत मजा आया और प्रमोशंस करने का बहुत मजा आया मैं कहूँगा कि जो भी GEC के अपीयरेंसेस हुए हैं हमारे जहाँ KBC में गए हैं और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में गए हैं और बिग बॉस में गए वो एक्चुअली एपिसोड्स मेरे ख्याल से वो खुद ही बहुत एंटरटेनिंग हुए क्योंकि एनर्जी कैमराडरी बहुत अच्छी थी मिस्टर अमिताभ बच्चन मिस्टर सलमान खान एंड कपिल शर्मा दे वो ऑल्सो ग्रेशियस बहुत मज़ा आया उनके साथ हैंग आउट करने में और
आई थिंक वो एपिसोड्स भी काफी एंटरटेनिंग है, देखने लायक है. आज इनफैक्ट बिग बॉस आ रहा है एज वी स्पीक, एट द मोमेंट एज वी स्पीक चल रहा है. जी जी. और बिग बॉस में बड़ा एक धमाका हो गया था, धमाल हो गई थी सफर परिणीति जो हमें अलाउड नहीं है अभी टेलीकास्ट के बाद बोलना अलाउड है. हमें इतना अच्छा लगा जब कपिल ने खुद बोला कि यू नो दिस इज वन ऑफ द टॉप 10 एपिसोड्स ऑफ कपिल, ऑफ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल. तो रियली इतना मजा आया उस रात, मतलब हमें एक्चुअली 3 बजे रात तक पेट पकड़ के हंस रहे थे, बहुत हंसे, बहुत मजा आया हमें. एक्चुअली प्रमोशन करने का बहुत मजा आ रहा है आपस में. हमें ऐसा लग नहीं रहा है कि हम प्रमोशन के लिए जो इंटरव्यूज दे रहे हैं वो काम है. हमें बड़ा अच्छा लग रहा है एक दूसरे के साथ हैंग आउट करके, हंसी मजाक करते रहते हैं आप लोगों से बातचीत करके यहाँ आके. सो दिस टाइम एक्चुअली प्रमोशन इज नॉट साउंडिंग और लुकिंग लाइक वर्क, मजा आ रहा है. द इलस्ट्रियस कंपनी. हाँ चलो यार चल के प्रमोट करते हैं फिल्म को जो कि 14 नवंबर को रिलीज हो रही है. वो और भी दीवानी हो जाएंगी, मैं इसके तरफ से कहना चाहती हूँ. जब उनका हाथ ऐसे करके ऊपर जाएगा ऐसे स्लिप हो जाएगा. क्या करूँ देखिए क्या होता है, मैं बस इस पॉइंट पर आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो मुंबई शहर है, महाशहर है, इट्स अ मेगा सिटी, वी ऑल आर अवेयर ऑफ द ट्रैफिक सिचुएशन एट टाइम्स इन एक्सटेन्यूएटिंग सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस बियॉन्ड आवर कंट्रोल, थिंग्स हैपन एंड वन डज गेट डिलेड. आई डोंट थिंक वन शुड बी क्रूसिफाइड फॉर इट. थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी दिखानी चाहिए. लेकिन हम आ गए हैं, नूर आ गया है, नहीं तो शराबों से लो जा रही थी 14 नवंबर को मैं लोकल ट्रेन्स में इन्हें गवा के इनसे हफ्ता भी वसूली करता हूँ. जाके सब जिंदगी खत्म हो जाएगी. हमारा टैटू किल दिल टैटू. आई थिंक अजय देवगन साहब का के छाती पर एक शिव भगवान का टैटू है, वो मुझे काफी कूल लगा. मुझे मेरी बहन का टैटू बहुत अच्छा लगता है जो उसने बड़े पापा की हैंड राइटिंग में लिखवाया है. Thank you very much. 14 November, kill Dil. Yeah.